दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे हैं जो आपको पुराने से पुराने हड्डियों के दर्द से आराम पहुंचा दे? बहुत पुराना, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे हमारे पैरों की एड़ियों का दर्द है। एड़ियां जो कि हमारी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं, ठीक से खड़े होते नहीं बनता, बहुत ज़्यादा एड़ियों में अकड़न आ गई है, या चलते चलते कहीं हमारे पैर में मोच आ गई है, लचक आ गई है, पैर ठीक तरह से चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा है, तो आज मैं आपके लिए घर पर ही एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, लगा सकते हैं, और जिससे आप तुरंत ही हड्डियों के दर्द, नसों की कमज़ोरी से, या शरीर के कोई हिस्से की नस दब गई है, इन सारी चीज़ों से राहत पा सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए तीन अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ, किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है, सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाली हूँ, आसानी से आप लोग इसे बना सकते हैं। पीपल, आप सबको पता है पीपल का वृक्ष बहुत ही ज़्यादा, मतलब धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व रखता है दोस्तों, और पीपल के पत्ते हम सबको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मेरे भी घर के पास ही पीपल के पत्ते लगे हैं, वहीं से मैं अभी तोड़ कर लेकर आई हूँ। अब सबसे पहले मैं इन्हें धो लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ, उसके बाद आपको आज इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि ये कितना ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है। कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल्ली का तेल ले सकते हैं, आप यहाँ पर नारियल का तेल या अरंडी का तेल भी ले सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन ऑयल बनाना बता रही हूँ जिसकी मालिश से पुराना आपका हड्डियों का दर्द है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है, शरीर में कहीं चोट है, मोच है, लचक आ गई है, या नसें कहीं की कमज़ोर पड़ गई हैं, वहाँ पर लगा कर देखिए इस तेल को। कपूर की दो टिकियाँ ली है, हल्दी ली है मैंने, इन्हें अच्छी तरह से आप मिक्स करिए। आधा चम्मच हल्दी, हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है हल्दी, टर्मरिक। रसोई घर की हल्दी ली है, उसमें डाला है मैंने कपूर की दो से तीन टिकिया को क्रश करके डाला है, इसे कैम्फर बोलते हैं कपूर को, किसी भी पूजा के सामान की दुकान में आपको ये कपूर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आज दो बड़ा चम्मच सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल की जगह सेसमे सीड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पत्ती को धोकर पोंछ लिया था मैंने, क्योंकि थोड़ी सी मुझे धूल दिख रही थी। अब यही सरसों का तेल, हल्दी, जिसमें मैंने कपूर मिक्स किया है, कपूर जो होता है वो भी तेज़ी से हमारी सूजन को उतारता है, कोई घाव है तो घाव को तेज़ी से भरने का काम करता है कपूर। कपूर, हल्दी और सरसों के तेल के इस मिश्रण को मैंने पत्तों पर लगा लिया है। अब इन पत्तों को किसी बर्तन पर रखकर गरम करिए। गैस चालू कर दिया है, तवे को रख दिया है गरम होने। गरम गरम इस तवे पर इस पीपल के पत्तों को, जिसमें सरसों तेल, हल्दी और कपूर का पाउडर लगा हुआ है, इसे अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। इतना गरम पत्ता लगाइए जितना आप सहन कर सकते हैं, बढ़िया अच्छा गरम कर लीजिए। मैं दो से तीन पत्तों को तैयार कर रही हूँ यहाँ पर, ये इतना पावरफुल है दोस्तों। पीपल का जो पत्ता होता है, इसका प्रयोग, वैसे पीपल के वृक्ष की छाल का, इसके पत्तों का, इसके बीजों का बहुत प्रयोग है, इसके पत्तों का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सी आयुर्वेदिक दवाई को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पत्ते गर्म हो रहे हैं, तब तक के मैं आपको तीसरी रेमेडी जो है वो बता देती हूँ। तीसरी रेमेडी, सारे एप्लीकेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। पानी को गर्म करने रखना है, एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने रखा है, इसमें मैंने डाला है मेथी के बीज, जिसे हम लोग बोलते हैं फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना। मेथी दाना भी दर्द को तेज़ी से खींचता है, सूजन को उतारता है, गठिया अर्थराइटिस के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पानी से अगर अपने पैरों की सिकाई करेंगे ना, तो सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी, बेजान नसों में जान आ जाएगी। और यहाँ पर टब में मैंने सादा पानी लिया है, और इस प्लेन वाटर में मैंने ये जो गर्म पानी किया था, मेथी के बीजों को डालकर जो पानी गर्म किया था, उस पानी में मिला दिया है, ताकि इस टब के पानी का टेम्परेचर हल्का गर्म हो जाए, इतना गर्म जितना गर्म आपके पैर सहन कर पाएँ। दोनों पानी को मिक्स कर दिया है, अब इस टब के गर्म पानी में पैरों को डुबा कर बैठिए। मेथी दाना तेज़ी से हमारी सूजन को उतारता है,
पैरों में कहीं मोच है, लचक आ गई है, उसे तेजी से हटाता है। और गर्म पानी, इस गर्म पानी में मैंने एक चम्मच नमक डाला है, आप चाहें तो इस नमक के पानी में हल्दी मिला सकते हैं। मैंने आज हल्दी नहीं मिलाई है क्योंकि कई बार हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है, इसलिए मैंने हल्दी नहीं मिलाई है, आप चाहें तो मिला सकते हैं। 10 मिनट तक इस गर्म पानी में पैरों को डुबा कर रखिए। जो नसें दब गई हैं ना शरीर की, उन नसों में जान आ जाएगी, आपके शरीर में बह रहे रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करेगा इस तरह से गर्म पानी में पैरों की सिकाई करने से। 10 मिनट बाद पैरों को निकाल लिया है, उसी से ही इतना आराम मिलेगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे, फिर मुझे कमेंट करेंगे। पैरों को पोंछ लिया है गर्म पानी से निकालने के बाद। यहाँ पर मैंने जो सरसों का तेल, हल्दी और कपूर की टिकिया डाल के जो पाउडर डाला बनाया है, जो तेल बनाया है, एक ऐसा नेचुरल पेन किलर ऑयल है, एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल है दोस्तों, जो आपके सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा, जोड़ों की सूजन को उतारेगा, गठिया अर्थराइटिस से आपको राहत मिलेगी, जहाँ तकलीफ है, एड़ियाँ सख्त हो गई हैं, एड़ियों में दर्द है, पैरों में लचक आ गई है, पैर मुड़ गए हैं, कहीं पर चलते चलते आपको पैरों में या फिर लचक है या सूजन आ गई है, वो सारी चीज़ें उतर जाएंगी। हल्के हाथों से इस ऑयल से मसाज करें ताकि ये जो तेल है आपकी मांसपेशियों के द्वारा आपकी हड्डियों तक के जा सके और आपको राहत दिला सके। इस बीच मैंने पीपल के पत्तों को, जिसमें सरसों तेल और मैंने जिसमें हल्दी, सरसों तेल, सारी चीज़ों को जो मिला लिया था, कपूर का पाउडर, वो सरसों उसको पत्तों को आपको अपने उस जगह पे रखना है जहाँ दर्द है। मान लीजिए हाथों में दर्द है, हाथों की कलाई लचक गई है, इन पत्तों को हाथों की कलाई में आधे घंटे बांध लीजिए। मेरे पति को पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है दोस्तों, जब भी इस तरह की तकलीफ़ होती ना, मैं हमेशा इस रेमेडी को करती हूँ, 3-4 दिन लगातार करिए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर कभी मान लीजिए 3-4 महीने बाद फिर कभी ये दर्द उठता है, तो हम इस होम रेमेडीज़ के द्वारा आसानी से दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, थोड़ा हेल्दी खाना खाइए दोस्तों, ठंडी चीज़ों से बच कर रहिए, परहेज करिए, गर्म चीज़ें खाइए आप लोग, दही, खट्टा, इमली, नींबू, इन सारी चीज़ों को खाना बंद करें, खटाई की चीज़ों को बंद करिए। इस तरह से अगर घुटनों में गरम गरम इन पत्तों को बांधेंगे, आधा घंटा बांधिए, आप चाहे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कपड़े गंदे होंगे, कोई पुराने कपड़े को लपेट लीजिए, देखिए कैसे नहीं दर्द खींचता है, खाट में जकड़ा इंसान भी भागने लगेगा, सिर से पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी, हाथ पैर जो सुन्न होते थे, बेजान होते थे, उनमें भी जान आ जाएगी, वेरिकोज वेन की समस्या भी दूर होगी। कुछ दिन इसे लगातार इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।